बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मखानों की रेसिपी लेके आई हूँ। बेसिकली ये चार अलग अलग रेसिपीज़ हैं और मखानों के बारे में आपको कुछ बताते जाएं, ये न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। 1 कप प्लेन मखानों में भी 5 ग्राम तक प्रोटीन होता है। फीमेल्स के लिए स्पेशली अपनी डाइट में इसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और प्रेगनेंट वोमेन के लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल होती है और हाई फाइबर होते हैं। बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए तो ये एक परफेक्ट स्नैक है। आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और मार्केट के अनहेल्दी स्नैक्स को अवॉइड करें। विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। तो रेसिपी की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने ये लाल बटन को प्रेस नहीं किया, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यूली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लेन मखानों को रोस्ट करना बताऊंगी बग़ैर किसी ऑयल या किसी भी चीज़ के। एक पैन में डाल के हल्की आंच पे इसको हम रोस्ट करेंगे, साथ साथ इसका चम्मच चलाते रहेंगे। और क्योंकि ये जब अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो बड़े अच्छे से क्रंची हो जाते हैं। मैं आपको भी यहाँ दिखाऊंगी कि आप इनको प्रेस करके चेक करेंगे तो ये जब तक ये आसानी से प्रेस होते रहते हैं तब तक ये रोस्ट नहीं हुए। इसके बाद जब हल्का हल्का इनका कलर भी चेंज होने लगेगा और जब हम इसको चेक करने का तरीका ये है कि जब हम इसे उठा के तोड़ेंगे तो ये क्रंची हो जाएं और इस तरह ये ब्रेक हो जाएं, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम साइड पे रख देंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्लेवर्स मखाना। सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब घी ऐड करेंगे एक पैन में। आप चाहें तो इसकी जगह ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब इसमें पिसा हुआ गुड़ ऐड कर दिया है और हल्की आंच पे हम इसको इतनी देर कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा मेल्ट हो जाए। और ये कैरमलाइज मखाने हैं, ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के होते हैं। आप इसे बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इसे स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जब ये गुड़ जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा इस तरह करके तो हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे मखाने जिन्हें हमने फ्राई करके रखा था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कप के करीब मखाने ऐड किए हैं और साथ ही इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं सफ़ेद तिल, क्योंकि सफ़ेद तिल भी आपको पता है कि कैल्शियम इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो इससे न्यूट्रिशन वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। बस इसको अच्छा सा मच्छर मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से कोट हो जाए और हमारे कैरमलाइज मखाना झटपट से हो गए रेडी। बहुत टेस्टी होते हैं, जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो तो आप उसकी जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फ़ायदेमंद भी है और टेस्टी भी है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हम बना रहे हैं टैंगी फ्लेवर मखाना, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है काला नमक, अमचूर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला लिया है 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें हम मिक्स करेंगे। आपके लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसी तरह सिरका इस्तेमाल कर लें इसमें थोड़ा सा डालें, या आप इसे खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ डाल के हम इसको बना लेंगे पेस्ट। और अब लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हम घी, उसको गर्म करेंगे और साथ ही जो हमने मसालों का पेस्ट बना के रखा था उसको ऐड कर देंगे। और ये डाल के जैसे ही गर्म होगा तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे अपने रोस्टेड मखाने और इसको डाल के इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया, बस हमें बहुत अच्छा सा मिक्स करके इसको बेसिकली कोट करना है और ये हमारे टैंगी से मखाना बहुत मज़ेदार से खट्टे मीठे से रेडी हो चुके हैं। खट्टा मीठा बनाने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको सिर्फ चटपटा इसी तरह बना रही हूँ। तो अगर आपने इसमें ऐड किया है शहद तो आप इसे बना के रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया तो आप इसे बना के फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे बहुत मज़ेदार टैंगी मखाना रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। 1/2 टीस्पून पैन में घी ऐड करके हम इसे गर्म करने रखेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मूंगफली भुनी हुई तकरीबन मुट्ठी भर, इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसी घी के अंदर। साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें भुने हुए चने, येलो वाले जो होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ के छिलके उतार दिए थे और कुछ छिलकों समेत हैं, बस इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें जाएगा बहुत ही मज़ेदार मसाला जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून है इसमें हल्दी पाउडर, काली मिर्च जाएगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून और इसके अलावा इसमें जाएगा नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। तो इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे मखाने। ये हमारी बन गई है बहुत ही मज़ेदार मखानों वाली निम्को, यानी कि निम्को मिक्सचर, मखाना मिक्सचर हमारा बन गया है। तो बस ये अच्छा सा कोट होगा और ये इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे, ठंडा कर लेंगे और ये इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि आप इसे बनाएंगे तो आपकी बाज़ारी निम्को तो बस आपके घर आना बंद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है आपको।
तो आप इस तरीके से इसको बनाएं, क्योंकि ये निम्को है लेकिन बेसिकली ये एक बहुत हेल्दी निम्को है। तो आप इसी तरीके से इसको बनाएं और आपको ये कैसी लगेगी आप मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए भी हाफ टी स्पून घी हम इस्तेमाल करेंगे, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं चंद पत्ते पुदीने के जिन्हें मैंने अच्छी तरह धो लिया था, और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी मैं जो चार मगज़ होते हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून थे, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा इनको पॉप अप करेंगे, हल्का सा इतना स्टर करेंगे कि जो पुदीने का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। साथ ही इसमें डाल दिए रोस्टेड मखाने जो हमने रखे थे, और इसमें अब जो जाएगा वो नमक और ड्राई हर्ब जो है मिक्स हर्ब होती हैं लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो आप डालें। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो इन सबको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये बहुत मज़े के होते हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं। और जो इसमें सबसे मज़े की अब चीज़ जा रही है वो है ये ड्राई मिंट पाउडर। ये बहुत इजीली घर पे ड्राई हो जाता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए। तो बस ये डाल के 1/2 टीस्पून करीब इसमें डाला और अच्छा सा मिक्स करेंगे, और आप यकीन मानेंगे इतने टेस्टी हैं और मेरे तो मोस्ट फेवरेट हैं ये जो मिंट मखाना है, बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं। और समर्स में आप इसको बनाएं, आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आज ये मज़ेदार सी वीडियो आपको यकीनन पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये मज़ेदार से चटपटे से स्नैक आप ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुश खुराक रहिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।